बलिया जिला, गांव का नाम रुदलपुर है, वहीं के ही बाबा हैं। यहाँ आ करके बहुत जमाना की बात है, यहाँ पर आकर के अपना ये प्राण छोड़ दिए। जय श्री पोखरी बाबा। बिहार में एक शहर है बक्सर। आपने जनरली जीके में सुना होगा बक्सर का युद्ध। तो बक्सर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है दहिवर। दहिवर में एक स्थान है जहां पे कहा जाता है कि बहुत पहले यहां पे एक बाबा जी आए थे और उन्होंने अपना वही स्थान ग्रहण कर लिया। आज उन्हें पोखरी बाबा के नाम से जाना जाता है। जब मैं वहां गया था तो वहां पे मैं एक पंडित जी से मिला था, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पोखरी बाबा के बारे में वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। उनके बारे में कुछ बता दूं कि जहां तक मुझे पता है 52 बीघा, ऐसा कहा जाता है कि 52 बीघा में उनका स्थान है, मतलब उनका ही स्थान है वो। और अगर कोई उसमें हल चलाता है, ठीक है, या फिर सोचता है कि मैं उसे कैप्चर कर लूँ उस ज़मीन को, तो उसका कुछ अनिष्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने हल चला के फसल उगाने की कोशिश की है, मतलब जो उनका क्षेत्र है पोखरी बाबा का, तो ऐसा लोगों का कहना है कि वो बैल वगैरह वहाँ पे वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मतलब वो उसमें खेती नहीं कर पाता है। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने खेती की, पहले पोखरी बाबा से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोखरी बाबा मैं यहाँ पे खेती करूँगा और आपकी सेवा करूँगा, ठीक है, और मेरा जो पारिश्रमिक होगा उसमें से बस मैं रखूँगा और जो भी होगा मैं यहाँ मंदिर में या फिर आपकी सेवा में ही लगा दूँगा। लेकिन उन्होंने खेती की तो उनका बैल तो नहीं गिरा, बेहोश नहीं हुआ, अच्छा अच्छा खासा उन्होंने खेती किया, फसल भी होगा। और आगे क्या हुआ कि उनके मन में लालच आ गई और लालच आने के कारण उन्होंने फसल बेचा और एक भी रुपया मतलब बाबा के लिए नहीं छोड़ा। लालच आ जाने के बाद उन्होंने खुद पे ही सारा खर्च कर दिया। तो जैसा कि लोग बताते हैं कि ऐसा कुछ लोगों ने किया था, तो आगे जाके क्या हुआ कि उनको लकवा मार गया। फिर उनकी पत्नी ने, उनके घर वाले जाके उनसे बहुत क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, जितनी की फसल की रकम थी जो उन्होंने पहले बोला था कि मैं आपको दूंगा, तो फिर उन्होंने जब पोखरी बाबा को दिया तब जाके ये सब कुछ सही हुआ। तो ठीक है, हम आइए सुनते हैं कि पंडित जी क्या बता रहे हैं पोखरी बाबा के बारे में। बलिया जिला, गांव का नाम रुदलपुर है, वहीं के ही बाबा हैं। यहाँ आ करके बहुत जमाना की बात है, यहाँ पर आकर के अपना ये प्राण छोड़ दिए। उसके बाद ये स्वप्न दिए बेलाउर दहिवर, इतना जमीन हमको चाहिए 52 बीघा। तब से ये बाबा, ये जमीन इनका दखल है, इसमें किसी को एक इंच छूने का अधिकार नहीं है, छूएगा तो उसका उसी वक्त हानि पहुंचता है, बहुत तेज ब्रह्म। पोखरी बाबा इनका नाम क्यों पड़ा? हाँ, पोखरी बाबा नाम इसलिए पड़ा है कि उनका प्राण त्यागे तो उनका नाम पोखरिए के नाम पर था, तो वही नाम प्रसिद्ध हो गया। मतलब यहाँ पे कभी कोई पोखर जैसा कोई जगह नहीं? ना ना ना, इनके कुल खानदान के लोग हैं, बहुत पहले यहाँ आए थे कि अर्जी मिनट किए कि हम लोगों को भाई हमनी के कुछ जिए खाए के दे दे, हटना जमीन बता। ना ना, गाँव में बहुत सहनी के देर बनी, एजा लालच छोड़ दस, गौरनी के गुरु हल रे, मुझे इनके खानदान के। तो अच्छा, किकरो कभी कुछ ज्यादा क्षति हुई बा जे कुछ कोशिश? हाँ, हाँ, एकदम क्षति हुई बा। यहीं पर बगल के गांव के एक छोर रहते थे चौबे, जो इनार खुनवाए, तो भाई बगीचा उन्हीं का है, तो इस पक्ति में वो कुजाल के अथी से सरसों बो दिए, उसके बाद चना बोए। बाबा बिल्कुल शांत थे,
जब पक गया तो ही काट करके घर ले गए, और घर ले करके वे खाना शुरू किए तब पोखरी बाबा इनको आए तो उठा कर फटक 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 करके खूब किसी तरह से जान बचा, हॉस्पिटल में रहे बहुत दिन तक, आकर के माफी उफी माने, साल भर दो साल के बाद गुजर गए। इनके यहाँ जो लालच रखेगा कि हम खाएंगे पिएंगे, यही कहानी नहीं है। एक रेंजर है बक्सर के, वो यहाँ पर वन लगाए थे, वन विभाग बगल में मझरिया गांव है, जो गार्ड ऐसे किए वन लगा था, और तो रेंजर के घर का पूरा परिवार बीमार पड़ गया। ये गार्ड लोगों का भी पेट में दर्द हुआ, स्वप्न जी कि भागो यहाँ से नहीं तो हम जान ले लेंगे, सब लोग आकर के माफ़ी मांग करके करेंगे, सरकार भी हार मान ली रही है। हाँ तो उन्होंने जैसा बताया है तो ज़्यादा जानकारी तो पुखरी बाबा के बारे में उनके पास भी नहीं थी, जितना वो जानते थे उन्होंने बताया। एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना कुछ वर्ष पहले, शायद 25-30 या शायद 40 वर्ष पहले, कुछ लोग आए थे और उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा ज़मीन खाली है, तो रात में वहाँ पे वो लोग अपना टेंट वगैरह लगा दिए। तो गांव वालों ने मना किया, बोला कि नहीं, ये तो पोखरी बाबा का क्षेत्र है, तो आप लोग यहाँ पे मत रुकिए, वही अच्छा है। तो वो लोग हंसने लगा, उन लोग बोला, अरे तुम लोग अंधविश्वासी हो, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री। तो गाँव वालों ने बहुत मना किया कि नहीं, आप ऐसा मत करो, तो भी उन्होंने वे लोग नहीं माने। तो फिर क्या करते गाँव वाले, एक्चुअली गाँव से ना थोड़ी दूर पर पोखरी बाबा का स्थान है, आप फोटो में देख रहे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में वो वीडियो में भी दिखाया है, गूगल मैप से मैंने लिया है, उसमें भी मैंने आपको दिखाया है। तो ये थोड़ा गांव से थोड़ा दूर है ये क्षेत्र। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब सुबह गांव वाले गए उन लोगों से उनका हालचाल पूछने के लिए, कि देखते हैं वो लोग सुरक्षित हैं या नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, तो जब वहाँ गए ना तो देखे कि वो सारे लोगों का चेहरा लाल था और वो लोग बहुत बहुत परेशान थे वो लोग, और जल्दी जल्दी अपना तंबू वगैरह उठा रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। तो सबने पूछा कि क्या हुआ, आप तो यहाँ फैक्ट्री लगाने वाले थे, अब क्या, क्यों क्यों जा रहे हैं यहाँ से। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कि पता नहीं रात में दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कोई आदमी था, और ये जो पहनता है ना ये चप्पल जैसा, उनका जो खड़ाऊ था ये ना हवा में उठ उठ के सबको मार रहा था, मतलब देखो हमारा गाल वगैरह भी, सर वगैरह भी फोड़ दिया है, पता नहीं कौन था, दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन हम लोगों को बहुत बहुत पीटा। तो इसलिए अब हम समझ गए कि सच में यहाँ पे कुछ है, पता नहीं क्या है, तो हम माफ़ी मांगते हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हम इस स्थान को नहीं घेरेंगे, इस स्थान पे कब्जा नहीं करेंगे। तो ऐसा मैंने वहाँ के लोगों से सुना है कि उन्होंने ऐसा बताया है पोखरी बाबा के बारे में। इनकी शक्ति आज भी बहुत प्रचंड है, और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि कोई ठेकेदार थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, तो वो आए पोखरी बाबा के सामने, उन्होंने प्रार्थना की कि हे पोखरी बाबा, अगर मुझे ये ठिक्का मिल जाएगा, मुझे कुछ काम मिल जाएगा, तो फिर मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा। तो उनका कार्य पूरा हो गया, और अभी आप देख सकते हैं कि ये मंदिर बन रहा है, यहाँ पे हवन कुंड भी है, मैंने फ़ोटो में दिखाया है, आप वीडियो में देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी बहुत बहुत गहरा लगाव है पोखरी बाबा के साथ, कोई अपनी परेशानी लेके आता है, किसी के घर में कुछ खुशियाँ आती है तो वो पोखरी बाबा के साथ बांटने आता है, उनके लिए कुछ लेके आता है। यहाँ पे एक कुआँ भी है, और कुएँ का जल बहुत ठंडा है, बहुत शीतल है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि मैं जब गया था ना, तो वहाँ पे एक माता आई थी और वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, और उन्होंने अपना सारा दुख चिल्ला चिल्ला के रो रो के पोखरी बाबा को बताया। मैं तो नहीं जानता कि क्या हुआ, ऐसा लगता था कि कुछ कुछ बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। तो फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वो चली गई, मैंने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं किया, मुझे सही नहीं लगा कि मुझे पूछना चाहिए, लेकिन अभी भी गांव वालों का मान्यता है कि बहुत बहुत शक्ति है पोखरी बाबा में। अगर आपका कभी जाना हुआ बक्सर, तो आप पोखरी बाबा के दर्शन करने अवश्य जाइएगा। बक्सर में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ के लोग बता देंगे, ये दहीवर में है, या फिर आप दहीवर जाके वहाँ से पूछ सकते हैं किसी से भी, तो पोखरी बाबा के बारे में कैसे जाना है वो रास्ता आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके आसपास भी
कोई समाधिस्थ संत हैं तो उनके बारे में मुझे लिख भेजें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ की वीडियो बना के, अगर उनकी जीवनी पुस्तक में उपलब्ध है तो ठीक है, अगर पुस्तक में उपलब्ध नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको व्हाट्सएप पर लिख के मुझे भेजना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन पर बता देता हूँ, तो वैसे मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी समय की कमी है, और ऐसा नहीं है कि अभी मेरी बहुत बड़ी टीम है कि ये सब मैं मैनेज कर पाऊँ। तो आपको लिख के व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई समाधिस्थ संत हैं तो आपको मैं क्रेडिट दूंगा, अगर आप चाहें तो आपकी मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, और बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ की वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी फ़ोटो, आसपास के लोगों से अगर आप एक छोटा सा इंटरव्यू ले पाएँ, या फिर उस समय के लोग अगर कोई हैं जिन्होंने बाबा से मिला है तो ऐसे वीडियो आप भेजिए। इस चैनल के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बाबा जी के दर्शन प्राप्त होंगे। धन्यवाद।